अंत होने से पहले एक बहुत ही बड़ा वाला बड़े सुपरस्टार यानी कि ट्रेंडिंग स्टार और कंपनी मालिक यानी कि रत्नाकर कुमार एक साथ एक जगह पे। तो जी हाँ, नमस्कार, मैं निजू स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी कौशिप पे। तो जी हाँ, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा होगा ना उस पर क्लिक मार दो। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो इसे फॉलो, इस पेज को लाइक एंड फॉलो कर लेना। तो जी हाँ, खेसारी लाल यादव, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के जो मालिक है रत्नाकर कुमार का फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर जारी हुआ है, हालांकि आया है और उसके बाद कई सारे खबरें हैं और ऐसी खबरें कि जिसे आप बिलीव नहीं कर सकते। जो मार्केट में अफवाह उड़ी हुई थी कि रत्नाकर कुमार जी यानी कि वर्ल्ड वाइड के ऑनर जो हैं वो खेसारी लाल यादव के गाने को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके फिल्में नहीं ले रहे, उनके गाने नहीं ले रहे हैं, तो इन सभी सवालों पर ना पूर्ण विराम का ठप्पा लग चुका है। दरअसल मामला कुछ और उससे भी बड़ा होने वाला है। जी हाँ, हर कोई गाने तो इंडिया में ही शूट करता है, लेकिन जो रत्नाकर कुमार जी हैं वो दुबई में शूट करके आए हैं, सिंगरों की पूरी फौज लेकर गए और शूट करके वहाँ से आए हैं। और अब खेसारी लाल यादव के साथ नया ईयर यानी कि 2022 में बहुत बड़ा वाला धमाका होगा, वो भी इंडिया से नहीं बल्कि सिंगापुर से होने वाला है। और ये धमाका करने वाले हैं रत्नाकर कुमार जी यानी कि दो बड़े जोड़ी, एक YouTube का बेताज बादशाह तो एक कंपनी का बेताज बादशाह यानी म्यूजिक इंडस्ट्री का बेताज बादशाह, दोनों ही बादशाह एक साथ एक मंच पर एक साथ जुड़ चुके हैं। तो जी हाँ, और इसी के साथ कई सारी जो फिल्मों का जो लाइनअप था ना, एक आपको याद होगा कि संघर्ष जो रत्नाकर कुमार के द्वारा ही बनाया गया था और संघर्ष 2 का भी अनाउंस किया गया था, उस पर भी लोग पूर्ण विराम लगाते हुए नजर आए थे। और अब इन सभी पूर्ण विराम से ठप्पा हट चुका है, बहुत जल्द भी फिल्मों का अपडेट सामने आएगा, खबर है, लेकिन आपको दूसरे वाले अपडेट में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको बता देता हूं कि बहुत ही बड़ा वाला धमाकेदार वीडियो सॉन्ग शूट होगा, कई सारे प्रोजेक्ट शूट होंगे सिंगापुर में, और सिंगापुर में खेसारी लाल यादव की यानी मेरी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, रत्नाकर कुमार यानी कि जो सिंगापुर की जो टीम है, सिंगापुर में जो गाने शूट हो गए, कई सारे गाने जैसे दुबई में शूट हुए तो वैसे ही सिंगापुर में गाने शूट होने वाले हैं। फिलहाल फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर आग लग चुका है, हर कोई बधाई दे रहा है खेसारी लाल यादव को, साथ साथ रत्नाकर कुमार जी को भी बधाई दे रहे हैं कि आपने एक कदम आगे बढ़ के जिस तरीके से आपने इंडस्ट्री को एक नया ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है उसके लिए उन्हें लोग धन्यवाद देते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो यार आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हो और वहां पर भी जा सकते हो जहां जहां सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ दिख रहे हैं। कुछ कहना हो खेसारी लाल यादव और रत्नाकर कुमार की जोड़ी वापसी एक साथ एक मंच पर एक धमाकेदार वीडियो बहुत सारे वीडियो पर दिखने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।